क्या बोलती विमला आंटी, प्रकाश अंकल, आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक शायरी फेंक के मार रहा हूँ कैच करने का। बटर नान के साथ खाने का मटर और दूधी, बटर नान के साथ खाने का मटर और दूधी, हमारे अगले कंटेस्टेंट मार देते 100 फीट से कूदी। तो आरएल है वो जिनका एक ही है मिशन, जहां मिले करने का डेमोलिशन। नेशनल टीम का इंटरनेशनल ड्रीम लिए आ रहे हैं डेमोलिशन क्रू। इनका सत्कार स्टेज पे आके करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि जो लोग हमारा इतना सत्कार करते हैं आज उनका सत्कार किया। वाह, बिल्कुल बनता है। थैंक यू सर। कुछ इस है ये कहा था मेरा, अब है सामने इसे। ये है डेमोलिशन क्रू के मम्मी और पापा और रिश्तेदार। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। ये हमारे डेमोलिशन क्रू के मम्मी डैडी भाई बहन सब रिश्ते जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डेमोलिशन क्रू रो रहा है, देखो कैसे बच्चे। I swear. क्या चिकने, तू इधर आ, पहले इधर आ, इधर आ। ये आपका चिकना बहुत कमाल कर रही है इधर। मैं आपसे ठीक से बात करूं या इसी लैंग्वेज में बात करूं? इसकी इस नहीं, ठीक से बात करूं, सिंपल। तुमचा मुलगा एकदा फाडतो आहे। खूप आनंद होते त्याला बघून। पहले कैसे टीवी पे सब हीरो देखते थे, अभी मेरा बेटा ही इधर डांस करता है तो ऐसा लगता है वही वो हीरो है। क्या बात है। मैं देख रहा था कि तुम सबसे ज्यादा रो रहे थे, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? सर कैसे बताएगा, मतलब 5 साल हो गए पप्पा से बात नहीं करता हूँ मैं। मैंने एक ठान लिया था कि जब भी बात करूँगा वो ये स्टेज होगा। सब लोग बोलते हैं आपका लड़का क्या कर रहा है, ये बच्चे लोग के लिए, पर मुझे जानता था, मैं जानता था मेरे को इनके लेके क्या करना है। और मैंने डैड से एक ही मतलब मेरा सपना था कि मैं जो भी जिस दिन भी मैं बात करूंगा वो ये दिन होगा और मैं जीत लूंगा अगर मेरे डैड और मम और ये पूरी फैमिली मेरे साथ। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे ना सर, ये जितने भी फैमिली है ना उनको प्रूव कर रहा था कि इनके लड़के ने टाइम नहीं वेस्ट किया सर। इनके लड़के ने सच्ची मेरे को जो 5 साल दिया ना, ये बहुत मेहनत करे सर। पर कभी इनके घर वाले ने ऐसा नहीं बोला कि मत जा, पर इन्होंने भरोसा रखा मेरे पे। थैंक यू सो मच सब लोग, थैंक यू भरोसा रखने का। ये बॉय सर एक दिन को इंटरनेशनल जाएंगे सर। बादशाह सर थैंक यू सर, ये सरप्राइज देने के लिए। आपने तो पूरा डेमोलिशन बुला लिया सर। थैंक यू सर, आई लव यू गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। इंडिया गॉट टैलेंट में मैं एक स्पोर्ट बॉय हूँ। अब मेरा लड़का इधर आकर मुझे बहुत खुशी हो गई। क्या बात। अरे माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है, आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। माँ ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों दिल की आरज़ू, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी किरण जी बहुत खूबसूरत था। थैंक यू। फौजी फैमिली से आती हूँ, मेरे पिता आर्मी में अफसर थे, मेरे दादाजी आर्मी में अफसर थे। जब आप लोग ये दिखाते हैं तो मुझे इतना गर्व होता है हमारे देश की सेनाओं पर, हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों पर, और इतना गर्व होता है इस देश की मिट्टी पर जहाँ पर आप जैसा टैलेंट जन्म लेता है, जहाँ आपके माता पिता इतने गर्व से आकर आपको देखते हैं। एक माँ का दर्द बच्चे के लिए, एक बहन का दर्द, हर इंसान का दर्द महसूस होता है। आज के आपका जो परफॉर्मेंस था वो वाकई दिल को छू गया। थैंक यू। जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.